क्या गाइस, आपको भी अपना जो डाउनलोड स्पीड है वो आपके इंटरनेट की स्पीड के बराबर नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे है मेरा 50 MB का प्लान है, तो मैं आपको एक बार स्पीड चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा 50 MB का प्लान है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि मेरा एक्चुअल स्पीड कितना दे रहा है। तो 50 MB से देखा जाए तो ये होता है मेगा बिट्स, और जो आप डाउनलोड के समय देखते हैं वो है मेगा बाइट। मैं 50 को डिवाइड बाय 8 से करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 6 MB का मुझे डाउनलोड स्पीड देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल डाउनलोड करके आपके दिखा देता हूँ कि मेरा डाउनलोड स्पीड कितना दे रहा है। गाइज, आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो डिपेंड करता है आपके सर्वर पर, आप कौन से सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल का सर्वर एकदम फास्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 MB, 4 MB, 5 MB दे रहा है, लेकिन 6 MB नहीं दे रहा है। तो इसे कैसे फिक्स करें, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल गांग जी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है IDM डाउनलोड। वहाँ पे आपको IDM की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, तो उसे आपको ओपन करना है। IDM एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है जो क्या करता है, आपके डाउनलोड को मैनेज करता है। तो ये आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल भी देते हैं, मैं तो यहाँ पर ट्रायल यूज करूँगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे आपको सिंपली दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट फिर से हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा IDM इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम पर जाना है और आपको सर्च करना है IDM एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रोम ब्राउजर, इसलिए मैं यहाँ पे IDM एक्सटेंशन क्रोम लिखा है। अगर आप अदर ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, IDM एक्सटेंशन फॉर आपको अपना ब्राउजर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद आपको आप ऑफिशियली उनके IDM डाउनलोड मैनेजर की उनकी साइट मिल जाएंगी। तो उस साइट में आपको जाना है और उधर आपको मिल जाएगा उनका ऑफिशियल एक्सटेंशन लिंक, इसे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो गाइस, आपको क्या करना है, ऐड टू क्रोम पर इसे सिंपली क्लिक करना है और इसे ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन है जो ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने पहले फाइल डाउनलोड की थी वो मैं आपको फिर से एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब पहले डाउनलोड किया था वो मुझे दे रहा था 4 MB, 4.5 MB थी, लेकिन मैं जब IDM से डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे ये दे रहा है 6.5 MB पर सेकेंड, मतलब मेरी मैक्सिमम स्पीड दे रहा है। तो IDM क्या करता है, आपके सर्वर से मल्टीपल रिस्पॉन्स करके आपको फास्ट डाउनलोड करने का फीचर देता है। तो गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।